बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की फिजिक्स में आपका यूनिट नंबर 3 जो डायनामिक्स पे है, मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस हैं, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। थर्ड यूनिट आपका डायनामिक्स में है जिसमें फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया और मोमेंटम इस पे डिस्कस किया गया है। आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसमें, रिलेट फोर्स एंड मोमेंटम। मोमेंटम और फोर्स को आपस में रिलेट करें, या ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, या ये भी आ सकता है राइट फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप आए आपके पास, तो आप को आज इसके बारे में बताते हैं कि जो फोर्स और जो मोमेंटम है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, और मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम पी की वैल्यू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, जो कि यहां यूज हो रहा है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। अब इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए, इसको समझने के लिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखते हैं। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, इन द बॉडी। एंड मैं शॉर्ट लिखता हूं, एंड इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एम ए। अब चूंकि आप देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज करनी पड़ती है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। नाउ एफ कैन बी रिटन एज, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू एम, एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस एम विद वी एफ एंड वी आई, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी, एफ इज इक्वल टू दिस। और अब आप देख सकते हैं मोमेंटम जो पी होता है वो एम वी के इक्वल होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। यहां भी मास वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन फाइनल वेलोसिटी से। तो यहां आप इसको लिख सकते हैं पी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस पी आई इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। इसका क्या मतलब है? ये है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इससे हमें पता ये चला कि फोर्स कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एंड पे आप ये लिखेंगे, वी कंक्लूड दैट फोर्स ऑल्सो चेंजेस मोमेंटम एंड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप इसको सिंपल वर्ड्स में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन में, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उम्मीद है कि आपको
मोमेंटम और फोर्स के दरमियान जो रिलेशन है आपके नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का यूनिट नंबर 3, वो आपको समझ आ गया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स पे आपको वीडियोस मिलती रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।